जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं कि उनके साथ आपका कौन सा रिश्ता है। किसी के लिए भी आप देखना चाहें, रिश्ते कई तरह के होते हैं, ठीक है, हर तरह का रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते में आप क्या पा रहे हो, दुख, सुख या फिर उससे भी कुछ ऊपर की चीज़ें। तीन तरह का रिश्ता होता है। एक दुख दर्द वाला रिश्ता होता है, किसी से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिल रही होती हैं, हमसे जाने अनजाने उसको दुख मिल रहा है, उससे हमको मिल रहा है, ठीक है। या फिर एक रिश्ता वो है कि हम किसी से मिलकर बहुत खुशी महसूस करते हैं, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी रिश्ता हो, दोस्त का हो, माता पिता का हो, जिनके साथ आपको सुकून मिलता है, वो होता है आपका सोलमेट कनेक्शन। जिससे आपको दुख मिलता है वो है आपका कार्मिक कनेक्शन, और जिसके साथ मिलकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाए, जिससे बात करके, जिसकी संगत में आके, या फिर जिससे मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए, आप टोटली स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो जाओ, तो वो होता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। तो आज इस रीडिंग में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, आपका वो रिश्ता कौन सा है, सोल लेवल पर है, फिज़िकल लेवल पर है, या किस लेवल पर इस कनेक्शन के साथ आप जी रहे हैं, कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो जिनके बारे में आप जानना चाहें, लंबी सी गहरी सांस लेकर मन ही मन में उनका नाम लीजिए 3 बार, ठीक है, और एक ऑप्शन चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे जाने अनजाने गलत ऑप्शन, गलत पाइल आप चुन लेते हैं, तो आप एक बार दूसरा वाला ज़रूर सुनकर देखें। अगर जो आपने पहले सुना था वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, उसमें बताई गई चीज़ें आपसे मैच नहीं करती, तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस रिश्ते में हैं, कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका उनके साथ किस तरह का रिश्ता है। इस दुनिया में रिश्ता कोई भी हो, माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, जी एफ पी एफ का, A to Z किसी भी तरह का कोई रिश्ता हो, वो 3 रिश्ते के अंतर्गत आता है। उसमें 3 एनर्जीज होती हैं, उसमें 3 आयाम होते हैं। एक होता है सोलमेट, एक होता है ट्विन फ्लेम और एक होता है कार्मिक। कार्मिक वो जो हमें दुख दे, सोलमेट वो जो हमें खुशियाँ दे, और ट्विन फ्लेम वो जो हर हाल में हमें सुकून दे, जो अगर आपको दर्द भी दे ना, वो भी आपके लिए सुकून का काम करे। ट्विन वो जो आपको आप से मिला दे, जो आपको आप से रूबरू करा दे, वो होता है ट्विन। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मेष, सिंह, धनु राशि। और देखिए यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है मिथुन तुला कुंभ राशि। इस रीडिंग में हम आप दोनों के ही डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 21 तारीख और 5 तारीख, 15 तारीख हो सकती है। चलिए बर्थ मंथ बता देते हैं हम, मई, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, ठीक है। इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियल हो सकता है एम आर ओ एच जे वाई डी बी के सी वाई आई आर एच एल यू, ठीक है। ये हो सकता है आप दोनों का ही इनिशियल। अब देखिए इधर हमने एक बहुत अच्छी फ्रीडम दी है आप लोगों को कि आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड के लिए, अपने भाई बहन के लिए। ये ऐसा नहीं है, ये लव रीडिंग नहीं है कि सिर्फ प्यार वाले लोग ही देखें। प्यार तो हम सबसे करते हैं ना, अपने परिवार में सबसे करते हैं और रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में भी हमसे बहुत प्यार होता है, मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये प्यार का रिश्ता है, लेकिन ऐसे प्यार का रिश्ता नहीं कि जो सिर्फ पति पत्नी के लिए, जी एफ बी एफ के लिए ही हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अभी इधर हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, ये आपके दोस्त हों, कुछ लोग तो अपने माता पिता के लिए भी देख रहे हैं शायद, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के लिए रीडिंग देख रहे हैं। इस रिश्ते में जो बुनियादी भूल है, इस रिश्ते में जहाँ पर चीज़ें अंतर आत्मा से जुड़ी होने के बाद भी बार 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 टूट रही हैं, वो सिर्फ ईगो की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बराबर इनका कोई, मतलब इनके बराबर आपका कोई भला सोच नहीं सकता, इनके बराबर आपको कभी कोई प्यार दे नहीं सकता। आप कभी कभी ऐसा सोचने पे मजबूर होते हैं, ये भी इनको भी लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी इनके अंदर कभी कभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। जैसे होता है ना कि किसी की खुशी में हम उसके साथ मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा प्राप्त करते हो, कुछ अचीव करते हो, कहीं से सम्मान मिलता है ना आपको, तो थोड़ी सी जैसे इन्हें जेलसी होती है कि मुझसे आगे क्यों, मुझसे ऊपर क्यों, थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है इनके मन में। ये बात स्पेशली उनके लिए है जो लोग अपने भाई बहन या फिर जो लोग अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर जो लोग अपने जी एफ बी एफ के लिए देख रहे हैं। कभी कभी इस रिश्ते में शुरू से ही आपने तो समर्पण रखा है, आप तो अंतर आत्मा से इनको प्यार करते हैं, आपका बस चले तो आप इनके ऊपर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर पता नहीं क्यों एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ये कभी भी आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए, या हम यूँ कहें कि आपका प्यार समझना इनके बस से ऊपर है, लाइक इनके बस की बात ही नहीं है ये जो आपके प्यार को समझ सकें। इनके अंदर हमेशा एटीट्यूड रहा, घमंड रहा, बहुत ज़्यादा दिखावा रहा,
जैसे होता है ना कि शो ऑफ करना, अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी कभी कुछ करते हैं तो उसको बहुत जगह गाना गाना मतलब कि शो ऑफ करना कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने ये किया, मैंने इसे ये दिलाया। और अगर आप अपने अब हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हम बता देते हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। जी हाँ, एक कर्मा है जिसके तहत आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कर्मा इस जन्म का नहीं होता, कर्मा पास्ट लाइफ का होता है, एक स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है। आपको पता है जब हमें किसी व्यक्ति से दो चार दिन के लिए, दो तीन साल के लिए दुख मिलता है, जैसे है ना कोई धोखा करके चला जाता है, आपको दुख तो मिला, वो कोई छोटा मोटा लाइक कोई छोटी मोटी गलतियों का प्रायश्चित होता है, छोटी मोटी गलतियों का जो अपराध बनता है हमसे, उसके लिए वो होता है। लेकिन अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बन गया है जो कि आपको इतना पेन, इतनी तकलीफें दे रहा है, कोई ऐसा इंसान है जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया है और वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा है, कभी कभी माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में हमारे कार्मिक हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जब तक कर्मा पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, आप चाह कर भी उनके साथ छुटकारा लाइक नहीं पा सकते, उनके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ करके रिश्ता जुड़ा ही रहेगा, कुछ ना कुछ करके रिश्ता जुड़ा ही रहेगा। आप रोएंगे, बार बार कोशिशें करेंगे अलग होने की, लेकिन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन का कर्मा नहीं है, कोई छोटा मोटा कर्मा नहीं है, ये होता है पास्ट लाइफ का, ये होता है हमारे पूर्व जन्म का अपराध। इवन हो सकता है किसी का कई कई जन्मों का होता है जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा होता है, इस जन्म में हम झेल रहे होते हैं वो सारी चीज़ों को। कुछ लोग जैसे कि कभी हमसे रीडिंग लेते हैं तो कहते हैं दीदी मैं इस आदमी के साथ खुश नहीं हूँ, या फिर कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ, हमारा डाइवोर्स कैसे होगा, कब होगा, कई साल हो गए सहते सहते, कोशिश पूरी होती है कि डाइवोर्स हो जाए पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक वो आपको दर्द देता रहेगा। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि कर्मा आपका मेडिटेशन के थ्रू थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो दर्द तो वो व्यक्ति आपको देगा ही देगा, जो विधि का विधान पहले से लिखा जा चुका, जो आपके स्ट्रॉन्ग कर्मा पहले से बन चुके हैं, तो उसे तो बदला नहीं जा सकता, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो मिलने वाली तकलीफें वो थोड़ी कम मिलेंगी आपको, या फिर आपको उस दर्द का आभास नहीं होगा। ये होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि वो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति के एनर्जी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, ये होता है कार्मिक कनेक्शन। तो जब तक किसी के साथ आपका कर्मा जुड़ा है आप क्लियर नहीं कर लेते ना बेटा, आप कितनी भी मुक्ति पाना चाहें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी उससे, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये जो रिश्ता है ये पूरा कार्मिक, पूरी तरीके से कार्मिक है। क्यों? हम देख रहे हैं कि आप तो बहुत प्यार करते हैं, आप तो अपनी तरफ से पूरे पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, आप अंतर आत्मा से इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अकड़ है, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, ये बहुत रूढ़ किस्म के व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं आप, बहुत ही रूढ़, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दिल तोड़ देने वाले, ऐसी बात बोलना कि आदमी अंदर से टूट जाए, इस तरह के व्यक्ति हैं ये। तो हुए ना कार्मिक, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आर्थिक स्थिति इधर अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी कलह क्लेश हो रहा है, फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ रहा है दोनों को, और इस वजह से भी आपके पर्सन का ज़्यादा ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है, क्योंकि लाइफ बिल्कुल भी स्मूदली नहीं चल रही है।
और इस चक्कर में कभी कभी थर्ड पार्टी की एंट्री भी हो जा रही है आपके रिश्ते में। हाँ जी, थर्ड पार्टी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर एंटर कर रही है। कोई थर्ड पार्टी भी है आपके रिश्ते में जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव सा और ज़्यादा कर रही है, जिससे आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख हो। क्योंकि आप जिनके साथ शादी के संबंध में, जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, कनेक्शन में हैं, वो आपको ना सुनकर, आपकी बात ना मानकर किसी थर्ड पर्सन की बात को प्रायोरिटी दे रहा है। वो किसी और को अहमियत दे रहा है, वो किसी और की बात मान रहा है, और इस वजह से आप दिन प्रतिदिन अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं कि मैं इस इंसान के लिए कितना भी कुछ सोचूं, इसके लिए कितना भी कुछ भी करूं, इसे शायद कभी समझ नहीं आएगा। ये जो व्यक्ति है ना, कभी कभी इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि बस ये आपकी दर्द, आपकी पीड़ाओं को नहीं देखते। बस इनका मन होता है कि मैं अपना कंफर्ट जोन देखूं और मैं कहीं दूर जाऊं। और इनको तो लगता है कि मैं चला जाऊं, लेकिन जब आप कभी कोशिश करते हैं ना मूव ऑन करने की, तब ये आपको जाने नहीं देते। मतलब कि जब आप इनकी ज़िंदगी में रहो तो दिक्कत, और ना रहो तो भी दिक्कत। रहोगे तो लड़ते रहेंगे, और नहीं रहोगे, जाने का फैसला लोगे तो इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि आप इन्हें छोड़कर ही मत जाओ। इस रिश्ते में हम आपको एक बात लिख कर देते हैं, कितने भी आप एफर्ट्स लगा लीजिए, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिस सुकून की अपेक्षा करते हैं ना आप इनसे, वो आपको कभी मिलेगा नहीं इनके साथ, नहीं। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इनकी गलतियाँ कभी दिखती नहीं हैं, इनको इनकी गलतियों का एहसास अफसोस होता नहीं है, ठीक है। और जब तक इंसान को एहसास अफसोस होता नहीं है, वो किसी दूसरे का दर्द समझ नहीं पाता है। इधर पता है और भी लोगों का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगर आप अपने GFBF के लिए देख रहे हैं, आप उनसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, और आप हर हाल में उनके साथ ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि काश कुछ अच्छा हो जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बदल जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज़िंदगी भर के लिए एक हो जाएं और ये सुधर जाए? वैसे तो इम्पॉसिबल सा है, लेकिन हम यहाँ पर 40% लोगों के लिए देख रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो डियर आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे और इस व्यक्ति में काफ़ी सुधार हो जाएगा, काफ़ी सुधार हो जाएगा, और आपकी शादी भी हो सकती है इनके साथ, अगर आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये बॉस है, लाइक आप लोग कुछ लोग हैं जो अपने बॉस के लिए देख रहे हैं, तो ये बोलते कम हैं, लेकिन ये वही बिल्कुल ऐसे होता है ना कि बिल्कुल ऐसी बात करना कि आदमी मर जाए अंदर से, हार्ट ब्रेक कर देते हैं पूरी तरीके से। तो अगर आप इनके साथ रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेडिटेशन करिए। रिश्ते अच्छे होने की पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन जिस तरह का प्यार आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, रूहानी, जिस्मानी नहीं, रूहानी, तो वो तो इनके समझ से भी बाहर है। आपकी शादी भी हो जाएगी ना तो भी ये आपसे रूहानी प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ उनको पता ही नहीं है, जिस चीज़ का स्वाद उन्हें कभी मिला ही नहीं है, वो उसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। हम देख रहे हैं कि आगे चल के जिनके दरमियान अभी फाइनेंशियल इशू है, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ नहीं रहे हैं, कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं। एक चीज़ और, शुरू से ही लेकर ये आपको, जैसे कि एक होता ना श्योर होना, ये आपको लेकर श्योर नहीं थे। शुरू से ही इनके पास काफ़ी चॉइसेस रही हैं, और ये आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करते आए हैं, आपको एज अ ऑप्शन देखते आए हैं। इसी वजह से इन्होंने कभी आपको उतनी अहमियत दी नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपकी जो अच्छाई है ना, वो इन्हें आपसे दूर जाने भी नहीं देती। और हमने पहले बताया कि जब तक किसी व्यक्ति का कर्मा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप टूटते रहोगे, जीते रहोगे, मरते रहोगे, लेकिन आप उनसे दूर नहीं हो सकते, आप चाहकर भी दूर नहीं हो सकते। नियति बार बार आपको उनसे मिलाती रहेगी, नियति बार बार आपको उनसे जोड़ती रहेगी। अब एक बात और समझ लीजिए, ट्विन फ्लेम
कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, कार्मिक जैसा ही, लेकिन उसमें भी क्योंकि नियति बार बार हमें मिलाती है, लेकिन उसमें इसलिए कि जब तक हम एक दूसरे को जान न ले, अपने आप को जान न ले, अपने सोल पर्पस को समझ न ले, तब तक हम एक दूसरे के तकलीफ का दुख का कारण बनते हैं। जिस दिन हम एनलाइट हो जाते हैं उस दिन हम एक दूसरे को सिर्फ सुकून देते हैं, खुशियाँ देते हैं, फ्रीडम देते हैं, हम एक दूसरे के दर्द की वजह नहीं बनते हैं जब हम एनलाइट हो जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा इधर कुछ है नहीं, और इसी वजह से अभी आपका प्यार ना उन्हें प्यार जैसा दिखता नहीं है, इसी वजह से अभी भी वो आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अभी भी उनको बहुत अहंकार रहता है, ईगो रहता है, ये समझ लीजिए। पर वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन इन्हें एहसास भी होगा, इन्हें मतलब टूटेंगे भी, इन्हें लगेगा भी कि किस कैसे व्यक्ति को ये दर्द देते आए अब तक, कैसे व्यक्ति का इन्होंने हमेशा दिल दुखाया है, इन्हें एहसास हो जाएगा जल्दी, आप इतना समझ लीजिए। देखो हर एक रिश्ते में ना ये जो ईगो होता है ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा क्या बताएं पत्थर दिल बना देता है। जिस इंसान के अंदर झुकाव नहीं होता, जो सेंसिटिव नहीं होता ना, उसे सिर्फ मैं अपना ही अहम दिखता है, उसे और कुछ नज़र नहीं आता, ये समझ लीजिए। पर इन्हें एक समय बाद आएगा, समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये आपको लेके बिल्कुल ऐसे सीरियस हो जाएंगे कि फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हम देख रहे हैं कि जब तक इनको समझ में आएगा ना तब तक उम्र निकल जाएगी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हों, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, और तब तक उम्र निकल जाएगी, और फिर उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, कम से कम बात करेंगे, ज़्यादा इन्जॉय नहीं करेंगे। हाँ, आप इनकी ज़िंदगी में रहो ना रहो, जैसे कभी मिलो तो नॉर्मल बातचीत कर लेंगे, लेकिन जैसे कि ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल ये आपके लिए समर्पित हो जाएं, आपके लिए दुनिया से लड़ जाएं, हर हाल में आपका साथ दें, ये ऐसे तो तब भी नहीं बन पाएंगे। इस जन्म में बहुत तगड़ा वाला कर्मा है आपका इनके साथ, इस जन्म में तो आपको अभी कभी लगता है ना कि यार मैं जितना इसके लिए करती हूँ करता हूँ, जितने एफर्ट्स लगाती हूँ लगाता हूँ, इसे कभी दिखता नहीं, इसे कभी समझ में आता नहीं, तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, उन्हें उनके हिसाब से सब कुछ करने दो। अगर ये व्यक्ति कभी सुधर सकता होगा, अगर ये व्यक्ति बदल सकता होगा, इसकी एनर्जी अगर बदल सकती होगी, तो भगवती इसे आपके रास्ते में दोबारा से लाएंगी, बहुत सही करके लाएंगी। और अगर ये व्यक्ति नहीं सुधरा तो फिर ये आपके लायक ही नहीं है, तो क्यों आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर लगे हुए हो। तो डियर, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं फुल्ली कार्मिक कनेक्शन है, ये भाई बहन, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जीएफ बीएफ, पति पत्नी, पूरी तरीके से कार्मिक कनेक्शन है। एक व्यक्ति जो झुका जा रहा है, एक व्यक्ति जो बहुत समर्पण दिखा रहा है, और एक है जो बिल्कुल अकड़ के बैठा हुआ है, अकड़ के खड़ा हुआ है, समझे, जिसके अंदर ईगो ईगो भरा पड़ा है, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो ऐसे रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना ख़राब है, फूटे बर्तन में पानी भरना सही नहीं है, जिसमें पात्रता ही नहीं है, जो आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करता। यही प्यार आप किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसे वाकई उसकी ज़रूरत है, तो आपको सर आँखों पर रखेगा, लेकिन इनको कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा कनेक्शन है ये। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे आपको, ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप किस रिश्ते में हैं? जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका कौन सा रिश्ता है, उनके साथ आपका कौन सा कनेक्शन है? कार्मिक, सोलमेट
या फिर ट्विन फ्लेम? कैसा रिश्ता है ये? किस तरह की वाइब आती है आपको, ये तो आप जानते हैं, लेकिन रियल में एक्यूरेट हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह का रिश्ता है, किस तरह के कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, उसके बाद है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। एक बात और बताएं, आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक जैसे कि कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, नेचर वगैरह बहुत सारी चीज़ें अभी हम आपको बताते हैं। तो इधर जो डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी महीने की 12 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख और 1 तारीख। डेट ऑफ बर्थ आप दोनों की हो सकती है अक्टूबर, जी हाँ, जुलाई और अगस्त, मई, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी और जनवरी, ठीक है? चलिए इनिशियल बता देते हैं, जी आर ओ टी पी एन के वाई एल बी एच और एम और डी, ठीक है? ये है इनिशियल। थोड़ा सा करंट की बात कर लेते हैं। करेंटली अभी भी कुछ झगड़ा चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान, और जैसे कि जो गलत फहमी है ना ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये जो गलत फहमी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये थमने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अभी थोड़ा सा सेपरेशन की जैसी स्थिति चल रही है, अंदर से जैसे कि प्यार बहुत है पर मन मुटाव थोड़ा सा हो गया है, और वो बात कुछ है जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, जैसे कि हो सकता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हों, ठीक है, या फिर आपने इनसे कुछ छुपा लिया हो जाने अनजाने, तो अब वो चीज़ ना रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो उसके लिए बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं आपके ऊपर, इल्ज़ाम लग रहे हैं, चीट करने का, धोखा देने का, फिर आप उनको इल्ज़ाम लगा रहे हो, पर कोई एक है जो चुप है, जो अपनी सफाई में बहुत ज़्यादा चीज़ें पेश नहीं करना चाह रहा है, कोई एक है जो चुप है, जो बहुत ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक है जो पूरी तरीके से चुप है। एक चीज़ हम आपको बताएं यहाँ पे, ये सोलमेट कनेक्शन है, जब आप लोग कभी मिले होंगे ना तो एक दूसरे के सुकून की वजह बने होंगे, एक दूसरे के खुशियों की वजह बने होंगे, इवन कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इस जन्म में भी हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन आप दोनों की डेस्टिनी बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, ये समझ लीजिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। संघर्ष मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हो, हार्ड वर्क कर रहा हो, संघर्ष कई तरह की चीज़ों का होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, सब कुछ होता है, पर फिर भी वो दुखी होते हैं, अपने अपने जीवन में जो उनके अपने होते हैं ना उनसे वो दुखी होते हैं। लोगों को लगता है कि खाने पीने के लिए सब कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, एक अच्छी ज़िंदगी है, फिर भी इंसान दुखी है किस बात के लिए? दुख के बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि फिज़िकली आप फिट हों, अच्छे हों, लेकिन मेंटली और इमोशनली आप अंदर से दुखी हों, ठीक है? तो यहाँ पर पता है क्या है, ये जो व्यक्ति है जो हो सकता है फिज़िकली बिल्कुल फिट दिखता हो, घर में सब कुछ ठीक
दिख रहा हो, लेकिन ये मेंटली इमोशनली बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ हो सकता है आपका एज डिफरेंस इशू हो, ठीक है। ये ज़्यादा बोलते ना हो, समाज में काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन हो, और जैसे कि किसी अच्छी पोजीशन पर इनकी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, इनके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर अपने घर में सबसे बड़े होंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, अच्छा बुरा जीना मरना खाना पीना उठना बैठना सोना लाइक हर चीज़ को इन्हें ही मैनेज करना है, देखना घर में क्या है क्या नहीं, सब कुछ इन पर है। और इनके अपनों से इन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। जैसे कि खुशियाँ तो छोड़ो, अगर हमारा परिवार हमें समझने का भी दावा करे ना कि वो हमें समझते हैं, गैरों से तो उम्मीदें ही क्या करनी। इंसान गैरों के लिए थोड़ा ना कुछ करता जो उनसे उम्मीद करेगा। इंसान अपनों से सिर्फ इतनी ही उम्मीद करता है कि मेरे अपने मुझे समझें, कि मेरे अपने मुझे समझें। और जब हमारे अपने ही हमें समझते नहीं हैं, इक्वल गिव एंड टेक तो दूर की बात है, जब वो समझते नहीं है तो दिल अंदर से टूट जाता है, बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। और ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं कि इन्हें अपने ही नहीं समझ रहे हैं जिनके लिए ये जान प्राण दिए दे रहे हैं। और आपके साथ अभी सेपरेशन चल रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहे, कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो गया है पर ये व्यक्ति जीते जी मृत्यु का अनुभव कर रहा है, जैसे कि बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि ये जो गलत फहमी वाला बीज आप लोगों ने डाल दिया है ना, अब ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जाएगा आगे भी। है तो सोलमेट कनेक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये कभी एक दूसरे के साथ जीने मरने की बातें थी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये आपको नेगेटिव वाइब देते होंगे, लेकिन बस ये आपसे कुछ बोलते नहीं, आपसे बस कुछ कहते नहीं हैं, अपनी फैमिली से बहुत परेशान है। जब कोई इंसान कम बोलता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका नेचर है। कभी कभी वक्त और हालात इंसान को ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं, कभी कभी वक्त और हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाता, किसी को कुछ बोल नहीं पाता। ऐसी ही कुछ सिचुएशन इनकी भी है कि ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें हालातों ने ऐसा बना दिया है, अपने ज़िंदगी में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भी काफ़ी सीरियस रहते हैं, काफ़ी उस पर मेहनत करते हैं ये, लेकिन आपके साथ जो इनका रिश्ता है ना, वो दिन प्रतिदिन बिखर रहा है। हमें ऐसा लगता है कुछ लोग जो मैरिड हैं उनका रिश्ता कोर्ट तक पहुँच गया है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग कौन क्रिएट कर रहा? फैमिली क्रिएट कर रही है। और जिनका नहीं पहुँचा है ना, तो जिस तरह के हालात हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे तो ये रिश्ता पहुंच ही जाएगा। हाँ, क्योंकि ये व्यक्ति फैमिली की हकीकत जानकर भी चुप है, समझकर भी चुप है, और इसे पता है कि इसका परिवार इसका साथ नहीं देगा, इसका परिवार इसका साथ नहीं देता, लेकिन जो देता है ये उसको कौन सा समझ रहे हैं, ये उसको कौन सा समझ रहे हैं, मतलब ये आपको कौन सा समझ रहे हैं। आप तो इनके लिए इतना करते हैं, जब ये आपको नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या होगा? यही होगा ना, जैसे कि ज़िंदगी हर तरीके से टूटने के कगार पे है। ये बस हो सकता है कि आप पर कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाया हो इनकी फैमिली वालों ने कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, आप इनके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आप, मतलब आप दोनों के बीच तो है लेकिन आपके बारे में इन्हें भड़का रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पल रही है फिर उनके अंदर पल रही है, और इससे दिन प्रतिदिन आपका जो रिश्ता है ना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसे हम सोलमेट कनेक्शन कहते हैं, कि जहाँ किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
हर हाल में वो व्यक्ति आपको खुशियाँ देता है, सुख देता है, क्योंकि वो आपके पुण्य कर्मों का फल होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये ना चाहकर भी आपके दर्द की वजह बन रहे हैं, ये ना चाहकर भी आपके तकलीफ़ की वजह बन रहे हैं, ये समझ लीजिए। अभी थोड़ा सा कहीं बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, जिनके मतलब हो सकता है कि बच्चे भी हों, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं और अभी आप सेपरेट हैं, तो हम आपको बताएं कि आपका कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, पर वो अपने कार्मिक के साथ ब्याहे हैं, मतलब उनकी शादी उनके कार्मिक के साथ हुई है, तो अभी उनकी फैमिली में भी उनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप ऐसा बिल्कुल ना समझना कि मुझे दर्द देके, मुझे तकलीफें देके ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दर्द देके, आपको तकलीफ़ देके ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी मज़े नहीं कर रहा है। ये समझ लीजिए कि बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं किसी से, अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। और आपको पता है, ऐसे लोग और ज़्यादा खोखले हो जाते हैं जो अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स, अपनी तकलीफ़ें किसी से बयां नहीं कर पाते, जिन्हें हर हाल में अपने आप को अच्छा दिखाना होता है, जिन्हें हर हाल में अपने आप को बेस्ट साबित करना होता है, वो अंदर से तो मर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये दिखाना है कि नहीं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मैं हर हाल में, हर सिचुएशन में मैं ठीक हूँ। ये तो बस इनका दिखावा, लाइक जो है ना कि मेरे समाज में जो रेस्पेक्ट है, वो जो इज्जत है, वो गिरनी नहीं चाहिए, उसके चक्कर में ये अपने आप को अंदर ही अंदर खोखला किए ले रहे हैं, अपने आप को अंदर ही अंदर मार रहे हैं ये, आप इतना समझिए। ये कभी कभी आपसे बहुत दूर चले जाना चाहते, बहुत भागना चाहते हैं, पर ये भाग नहीं पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली ना इन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल करती है, या फिर इमोशनली। आजकल ना रिश्तों में बहुत ज़्यादा, क्या बताएं, ब्लैकमेलिंग चलती है आजकल। माता पिता भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत भावुक हैं, अगर आपके घर वाले आपको समझ गए कि इसके इस नस पर उंगली रखने से, हाथ दबाने से, फिर पैर रखने से सामने वाला तिलमिला जाता है कि बस ये बात मत भूलना, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, भले आपने अपने परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी लुटा दी हो, लेकिन फिर भी अगर वो समझ गए कि इस बात से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो ज़िंदगी भर आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेंगे। आजकल रिश्तों में रिश्ता रहा ही नहीं है, सच बता रहे हैं। मतलब कि सोचने वाली बात होती है कि उन रिश्तों में भी इतनी लंबी दूरियाँ हो सकती हैं, जिन रिश्तों में आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये तो हमारी ज़िंदगी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, कोई कहते हैं मेरे माता पिता मेरी ज़िंदगी हैं, कोई लोग कहते हैं कि मेरा पति मेरी पत्नी, मेरा भाई मेरी बहन मेरी ज़िंदगी हैं, पर कब कैसे क्या हो जाता है, इंसान एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाता, और दूरियाँ इस कदर हो जाती हैं कि फिर शायद कभी नज़दीकियाँ नहीं बन पाती। इनके घर में ये बहुत भावुक हैं, भावनाओं को छुपाते हैं, पर इनके घर वाले, इनके परिवार वाले एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि किस बात को बोलेंगे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा क्या कहेंगे जो तिलमिला जाएगा, ऐसा क्या बोलेंगे जो इसे बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे कि इनकी बीवी, इनकी वाइफ होगी, इनका हस्बैंड होगा कि तुम्हारे लिए मैंने ये छोड़ दिया, तुम्हारे लिए वो छोड़ दिया, और तुम, और तुम्हें अपनी पड़ी है, फिर तुम अपने बारे में सोचना चाहते हो केवल। एक होता है ना कि इंसान एक बार का एहसान पूरी ज़िंदगी कर्ज के तौर पर आपके ऊपर रखता है, ये समझ लीजिए। आपका एक फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर किसी का एहसान लेना, सोच समझ कर। अगर आज आपको लगता है कि कोई आपसे बहुत प्यार कर रहा है, वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, ये समझ लो कि वो ज़िंदगी भर के लिए आपको अपना कर्जदार बना लेगा। ऐसे लोगों के साथ ही रिश्ते रखना जिनसे आपकी वाइब मैच करती हो, जिनसे आपके विचार मैच करते हो, जिनसे आपकी थिंकिंग मैच करती हो। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता कभी ना रखना जो आपके जैसे ना हो, क्योंकि कुछ लोग रिश्तों में राजनीति बहुत गजब की खेल जाते हैं,
और एक बार एहसान करके पूरी ज़िंदगी आपको दबा के रखना चाहते हैं। जब भी आप उनके दबे हुए दिए हुए जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, तब भी बस वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे रिश्तों से, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, स्पेशली आप भी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर आप अभी भी इनका इंतज़ार ही कर रहे हैं। आप कम नहीं हैं, किसी भी चीज़ में इनसे कम नहीं, आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन प्यार हर किसी से बार बार नहीं होता है, और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप इस रिश्ते को किसी भी कीमत में तोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। और आप इनके साथ जो सुकून महसूस करते हैं, जो खुशियां महसूस करते हैं, वो आप किसी और के साथ करते नहीं हैं, ना आपको आज तक कभी किसी और के साथ हुआ है। वो एक स्पेशल सी फीलिंग, जैसे कि आपको लगता है कि जो है यही है और आगे भी यही रहेगा, यही रहेगी, कुछ ऐसी वाइब आपको इनके साथ आती है। वरना टाइम पास करने के लिए कमी थोड़ी ना है। आप एक बार अपना फ़ोन उठा लो, सोशल मीडिया उठा लो, हज़ारों लोग आपके दोस्त बनने के लिए तैयार हैं, हज़ारों लोग आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ टाइम पास करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर किसी से प्यार नहीं होता ना किसी को। प्यार तो किसी एक ही इंसान से होता है, और वो इंसान जब इस चीज़ को समझ ले उसको सही तरीके से, तो अच्छा है। वरना अगर कोई फ़ायदा उठाने वाला है इस चीज़ का, तो ज़िंदगी भर फ़ायदा भी उठा लेता है। पर हम आपको एक बात कहेंगे कि अभी इस रिश्ते में जो भी चल रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें गलत फहमी पलती जा रही है, तो यहाँ पर अभी आप जो भी देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि जो फ्यूचर है ना वो बहुत अच्छा है। फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे। जो सोलमेट होते हैं ना, बहुत समय तक अलग नहीं होते। एक बात याद रखना, जो सोलमेट होगा अगर वो आपकी ज़िंदगी से दूर जाता भी है ना, तो खुद को तकलीफ देकर, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको किसी कीमत में दर्द नहीं देना चाहता। वो जो भी करता है ना, मजबूरी में करता है। जो कार्मिक होता है ना, वो जानबूझ के करता है, और जो सोलमेट होता है वो मजबूरी में करता है, और जो ट्विन होता है ना, उसको तो पता ही नहीं होता कि मजबूरी क्या है और जानबूझ के करना क्या होता है, मजबूरी क्या होती है। मतलब वो पता है, जैसे कि एक सोया हुआ इंसान सपने में किसी का मर्डर कर देता है ना, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि वो इंसान अगर आपको दर्द भी देता है ना, अगर वो इंसान आपको तकलीफें भी देता है ना, वो अपने होश में ही नहीं रहता है, ये समझ लो। ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ अलग ही है, और स्पेशली तब जब कोई लो वाइब्रेशन में हो। जब आपका ट्विन लो वाइब्रेशन में हो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हो जाता है। जैसे कि कभी कभी आपका ट्विन आपको चीट करता है, आपसे बदतमीज़ी कर जाता है। वैसे ट्विन करते नहीं हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। लेकिन इधर जो भी आपको पेन मिल रहा है, जो भी आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं ना, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा मजबूरी के कारण। और दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों को कि आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी का सवेरा होगा ज़रूर, ठीक है, और ये वापस आएंगे ज़रूर, ठीक है। आप लोग एक होंगे ज़रूर, और अगर आप अनमैरिड हैं, दोनों ही अनमैरिड हैं, और आप शादी करना चाहते हैं, आपके बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई है या फिर आना चाह रही है, आप इनसिक्योर हैं बहुत ज़्यादा, आपको डर लग रहा है कि कहीं आप हमेशा के लिए अलग ना हो जाएं, या फिर आपसे कोई गलती हो गई, आपको ऐसा लगता है कहीं आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए छोड़ ना दे, दूर ना चले जाएं, तो भी आप निश्चिंत रहिए। अब आप कहेंगे कैसे कैसे निश्चिंत रहें, क्योंकि ये बहुत समय तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आप इनका सुकून हो, ये आपका सुकून है। अभी जो भी है बस मजबूरी के तहत है, और मजबूरी हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है, समझ रहे ना हमारी बात को। मजबूरी हमेशा नहीं रहेगी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है ये, कई जन्मों का कनेक्शन है ये। और इसमें हम देख रहे हैं कि आप मतलब थोड़ा सा इन्हें मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, जैसे कि मॉर्निंग में 6 बजे, और फिर एक बार 9 बजे, या फिर एक बार 12 बजे, एक बार 3 बजे, एक बार फिर शाम को 6 बजे, या फिर रात को 9 बजे। मतलब कुछ ऐसा टाइम चुनिए जैसे कि 6, 9, 12 और 3, फिर 6, फिर 9, कुछ ऐसा। तो इस टाइम पर जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली वो वर्क करता है, क्योंकि
ब्रह्मांड का जो सीक्रेट कोड है ना वो 369 है ना, और इसी से पूरी दुनिया चल रही है, 369 से ही। ठीक है, तो इस चीज़ के महत्व को समझिए और इस टाइम पर इन्हें मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट बहुत पॉजिटिव होकर करिए कि सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, हम ज़रूर मिलेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इतने पॉजिटिव मन से हम देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी आप थोड़ा सा इनको लेके काफ़ी परेशान हैं और कहीं किसी काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन डियर ऐसा करेंगे ना तो कुछ अच्छा नहीं होगा बल्कि ख़राब होगा। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है ना तो आप एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, उनको टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए कि मेरी ये गलती थी, हाँ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी भी तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आप प्यार करते हैं ना इनसे, बहुत करते हैं, बस उस प्यार पे बिलीव करिए, ये आपके पास ज़रूर आएंगे। अभी इन्हें समाज की बेड़ियाँ, इनकी ज़िम्मेदारियाँ इन्हें बांध रही हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारियाँ बहुत समय तक बांध नहीं पाएंगी। कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अभी इनके जो परिवार वाले कर रहे हैं ना वो थोड़ा लिमिट में कर रहे थे इनको ब्लैकमेल करना, अब वो अति कर देंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे ब्लैकमेल करने की। और जब अति हो जाती है, जब घड़ा भर जाता है तो फिर खाली फूटना उसका तय है। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव लोग जो इनकी ज़िंदगी में हैं, जिनके चक्कर में आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनका साम्राज्य हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा ना। अति हर चीज़ की मतलब खतरे में डालती है चीज़ को, बस एक समय होगा कि सब ख़त्म हो जाएगा और इन्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं किसके साथ खुश हूँ, मैं किसके साथ सुखी हूँ, और तब ये आपका हाथ थाम लेंगे। बस अभी जो भी हुआ है वो मजबूरी के तहत हो रहा है, थोड़ा सा गुस्से में भी हैं ये और थोड़ा सा ज़्यादा सोचते भी हैं, ये ओवर थिंकिंग करते हैं और फीलिंग्स छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। ये फिज़िकली फिट दिख रहे होंगे पर मेंटली और इमोशनली बहुत दर्द में हैं, आप इतना समझिए। ठीक है, तो डियर ये है आपका सोलमेट कनेक्शन इनके साथ और फ्यूचर आप दोनों का बहुत अच्छा है, तो टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो देखो, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप जिनके साथ भी इस वक्त रिश्ते में हैं या फिर आप जिनको सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका कौन सा कनेक्शन है, कौन सा रिश्ता है, सोलमेट, कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम। देखो, सोलमेट जो हमें खुशियाँ दे, सोलमेट जो हमें खुशियाँ दे, हमारी छोटी छोटी बात को समझे। जैसे कि हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक हमसफ़र चाहिए होता है ना, कि कैरिंग हो, रेस्पेक्ट करने वाला हो, समझने वाला हो, ज़िंदगी के हर अच्छे बुरे मोड़ पर हमारा साथ देने वाला हो, तो वो तो सोलमेट होता है। समझ रहे हैं आप? जो आपको बात बात पर दर्द दे, तकलीफें दे, जो आपको ना समझे, जिसके लिए आप कुछ भी करो लेकिन फिर भी वो वक्त आने पर आपको दर्द से भर दे, वो होता है कार्मिक। लेकिन जिसके आते ही आपकी ज़िंदगी में दुख और सुख से आप ऊपर उठ जाएं, आप एक ऐसे आयाम में, एक ऐसे डायमेंशंस में पहुंच जाएं, एक ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू करें जहां से स्पिरिचुअल चीज़ों की शुरुआत होती है, जहां से इंसान आध्यात्मिक होना शुरू करता है, जहां से इंसान खुद को जानना शुरू करता है, तो उसे कहते हैं ट्विन फ्लेम। तो अभी हमने 3 चीज़ें बताई, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आप कौन से वाले रिश्ते में हैं। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। लेकिन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। आप दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 4 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख और 13 तारीख हो सकती है। आप दोनों का बर्थ मंथ मार्च, मई, जनवरी, जुलाई, सितंबर, नवंबर हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल पी, ए, यू, एस, वाई, आर, डी, एच, एम, के, पी, सी, ठीक है, ये आप दोनों का इनिशियल हो सकता है। इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले हम एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाने वाले हैं आपको, और जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि आप कौन से वाले कनेक्शन में हैं। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। और क्यों मैं तूफ़ान से डरूं, क्यों मैं तूफ़ान से डरूं, क्योंकि मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफ़ानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। हाँ, समझ रहे हैं आप। डियर 1000% ये ट्विन सोल कनेक्शन है। एक ऐसा रिश्ता जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, एक ऐसा रिश्ता जो आपको जग से बेगाना कर देता है, एक ऐसा रिश्ता जो आपको दुख दे, सुख दे, प्यार दे, खुशियाँ दे, या फिर बेहिसाब तकलीफ दे। एक ऐसा रिश्ता जो आपको आपके जन्म लेने के उद्देश्य से जोड़ता है, जो आपको आपका सोल पर्पस याद दिलाता है। आपको पता है सोल पर्पस और लाइफ पर्पस में बहुत अंतर होता है। लाइफ पर्पस वो होता है कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, बच्चे लेकर डॉक्टर बनेंगे, मतलब क्या बनोगे बड़े होके, क्या करना है, किसी ने बिजनेस करना है, किसी को जॉब करनी, किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी, किसी को बाहर जाना है, किसी, ये आपका लाइफ पर्पस है कि भाई मेरा ये पर्पस है, मुझे ये काम करने हैं, उसके बाद मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे माता पिता का ख्याल रखना है, सब इस तरह की चीज़ें जो आप सोचते हो ना, वो आपका लाइफ पर्पस है। लेकिन आपका सोल मिशन, आपका सोल पर्पस वो जो आप परमात्मा से प्रॉमिस करके आए हो कि धरती पे जाके ये करेंगे, वो होता है आपका सोल पर्पस। हम इस लाइफ पर्पस में इतना भटक जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि हम अपना सोल पर्पस ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आता है, पहले करीब आता है, बहुत करीब आता है,
फिर उतना ही दूर जाता है। उसका पास आना एक ऐसी अनुभूति कराता है, एक ऐसा एहसास कराता है जैसे आपका खुद, आप खुद खुदा से मिल गए हैं। एक ऐसी सुकून वाली सांसें, एक ऐसी सुकून वाली ज़िंदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है बस सब कुछ नहीं चाहिए, बस ये मिल जाए बस। वो ऐसे भी नहीं कि वो फिज़िकली मिल जाए, बस उसके आसपास रहना ही आपको सुकून देता है। आप उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहते, आप उसको लाइक अपने आगे पीछे नहीं घुमाना चाहते। उसके साथ आपका ईगो नहीं जुड़ा, उसके साथ आपका समर्पण जुड़ा होता है। एक ऐसा समर्पण जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो जैसी कोई बात ही नहीं होती। आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड से कभी बोलता है कि बेटा बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, तुमने मेरा यहाँ पे साथ नहीं दिया, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, लेकिन तुम हाथ पे मेहंदी लगा कर बैठे थे, अब जब तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आपका हाथ कभी बोलता है ऐसा? मान लीजिए आपका राइट हैंड किसी काम में बिजी हो और आपके लेफ्ट हैंड को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन अभी वो उसको लगता है कि ये वाला काम ज़्यादा ज़रूरी वो कर रहा हो, तो आपका लेफ्ट हैंड कभी प्रतिशोध की भावना रखता है कि मुझे बदला लेना है? नहीं ना, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। ऐसे ही जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है ना, वो आपको दुख भी देता है, और दुख वो नहीं देता जिन्होंने आपको उससे मिलाया है ना, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स वो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमने तो ये सोच के मिलाया था इन दोनों को कि अब यहाँ से इनको इनका उद्देश्य पता चल जाएगा, खाने पीने सोने से ऊपर उठ जाएंगे तो कुछ अलग करेंगे, जो प्रॉमिस करके आए हैं वो इन्हें याद आ जाएगा, लेकिन इन्हें तो याद ही नहीं आ रहा है। तब फिर भगवान को लगता है कि यार अलग करो इनको, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जो आपको अंदर से तोड़ता है। ये जो हम बात बात पे रो देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम टूटे हुए होते हैं। होता है ना, कैसे नहीं, आप टूटे हुए हैं, टूटता नहीं है इंसान। सोलमेट रिश्ते में भी इंसान टूटता है, कार्मिक भी तोड़ता है, लेकिन जो ट्विन के लिए आदमी रोता है ना, इंसान रोता है ना, वो बात ही कुछ अलग होती है। आप सबने फील किया होगा, इधर जितने लोग नंबर 3 देख रहे हैं, पाइल 3 चूज़ किया है, तो आप ट्विन सोल जर्नी में ही हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसको कभी आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। समाज का जो नज़रिया है एक रिश्ते को पिरोने का, या फिर समाज के हिसाब से आप चलेंगे तो लोग यही कहेंगे, क्या यार जो इंसान आपको बार बार तकलीफ़ दे रहा, छोड़ो छोड़ो, वो तुम्हारे लेवल का नहीं, वो तुमको समझता नहीं, तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, छोड़ो छोड़ो। यही है ना, लोगों को लगता प्यार की परिभाषा ये है कि जहाँ लेन देन चले, जहाँ सामने वाला भी आपके लिए बराबरी से करे तो रिश्ता चलेगा, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में तार कुछ ऐसे जुड़े होते हैं कि चाहे वो आपको रोज़ शाम सुबह फ़ोन करके गाली देने के लिए फ़ोन करे, तब भी आपको सुकून मिलता है कि यार कोई बात नहीं, आवाज़ तो सुनने के लिए मिली इसकी। वो किसके साथ है, एक समय पर हम इस चीज़ से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जैसे कि हम पहले कार्मिक रिश्ते से निपट कर आए हैं, सोलमेट से निपट कर आए हैं, तो हर एक इंसान पोजेसिव हो जाता है कि भाई वो मेरा है तो मैं उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकता। लेकिन एक समय पर इस रिश्ते में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि हमें इस बात से भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो किसके साथ है। उसे देखना, उसे महसूस करना ही हमारी सुकून की वजह बन जाता है वो, और प्यार से बात कर ले तो फिर बात ही अलग है। अगर आप ऐसे प्रेम में जी रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, वरना पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं, नंबर 3 आपके लिए नहीं है। नंबर 3 तो रूहानी प्रेमियों के लिए, रूहानी इश्क के लिए है, जो अंतरात्मा से प्रेम करते, जो अंतरात्मा से चाहते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है जो शिव शक्ति की तरह है, जो राधा कृष्ण की तरह है। इस एक अलग लेवल का प्रेम, एक ऐसा प्रेम कि जो आपको उस तत्व से जोड़ देता है। जब हम उससे दूर होते हैं, एंजल्स आप लोगों को दूर कर देते हैं कि अलग हो जाओ, मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, वो ईश्वर ही लाते हैं, उस बेचारे का कोई दोष नहीं। पहले तो ज़्यादातर करके कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले ऐसे होते हैं जो मतलब अपने कर्मा में बंधे हुए होते हैं, ठीक है, तो कार्मिक उनका आता ही आता है ज़िंदगी में। सब जिंदगी का नियम है, इस पृथ्वी का संचालन बहुत तरीके से होता है जो हमें समझ नहीं आता, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आ गई, अभी हम करेंटली बता रहे थर्ड पार्टी आई हुई है, इधर बहुत सारे लोग सेपरेट भी हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हैं, उसने आपको तकलीफ़ भी बहुत दी है, उसने आपको चीट भी बहुत किया है, लेकिन पता नहीं क्यों
पिया मिलन की आस, जैसे फिर भी उसके मिलन की आस रहती है। आप उससे लाख गुस्सा हो जाओ, पता नहीं क्यों कभी दिल उससे नफरत नहीं कर पाता। दिल इस बात के लिए भी तैयार रहता है, ठीक है वो किसी और के साथ खुश है ना, कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे दिन में एक मिनट भी दो मिनट भी बात करेगा ना चलेगा, मैं उसमें भी खुश हूँ। अगर आप उसे देख भी लो ना तो भी आपको खुशी मिल जाती है। हक जताने का मन नहीं हो, मेरा मेरा करने का मन नहीं होता। आप कभी जब परमात्मा से प्रेम करते हो तो क्या कहते हैं कभी कि नहीं कृष्ण सिर्फ मेरा है, राम सिर्फ मेरे हैं, महादेव जी सिर्फ मेरे हैं, नहीं करते ना, वो सबके हैं। ऐसे ही प्रेम ऐसा होता सबका है, वो कोई जेलसी वाली भावना भी नहीं रह जाती जब प्रेम परिपक्वता की ओर होता, जब प्रेम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, स्पेशली ये वाला प्रेम। तो डियर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक ट्विन सोल जर्नी में हैं। और अभी हम आपकी थोड़ी एनर्जी चेक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि अब आपको भी नहीं पता कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे कि कभी आप इनको पाना चाहते थे, ठीक है, कभी आप उनको पाने के लिए भी बहुत कुछ कर रहे थे कि मुझे हर हाल में वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन अब जैसे लगता है कि मुझे खुद नहीं पता कि वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। जैसे एक तो इनके द्वारा आपको तकलीफें बहुत मिली, ठीक है, लेकिन जब इंसान खुद से प्रेम करने लगता है, जब वो अपने रियल साइड से जुड़ जाता है ना, तो शायद ये सबके साथ होता है कि फिर उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, स्पेशली उसकी भी नहीं जिसके लिए वो साधना कर रहा था, जिसको पाने के लिए वो कर रहा था। आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताते हैं हम पर्सनल रीडिंग का। जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं, हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा ट्विन सोल जर्नी में है, ठीक, और वो उसको पाने के लिए किसी भी लेवल को क्रॉस कर सकता है जिसने हमसे रीडिंग ली है, इवन ब्लैक मैजिक तक, क्योंकि उसको ऐसा लगा करता है कि प्यार सिर्फ पाने का ही नाम है। वो राधा कृष्ण सीरियल आया था ना कि पाने को ही प्रेम करें, जग की है ये प्रीत, लेकिन प्रेम का अर्थ समझाएंगे राधा कृष्ण की प्रीत। मतलब कभी कभी लोग कि हम उसको पाने के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, और हमें ऐसा दिख रहा होता है कि इनका मिलना संभव नहीं है। पर हम क्या कहें, कभी कभी सामने वाले का प्यार देख के ना दिल तोड़ने का मन नहीं करता, फिर पता है हम उससे क्या कहते हैं ज़्यादातर करके कि आप ध्यान करिए। कभी कभी कुछ लोगों को हमें लगता है कि वो मिल जाएगा, लेकिन जिस सामने वाले इंसान को आप पाने के लिए इतनी सारी साधनाएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना, उसका भी तो अपना कर्मा है, उसकी भी तो अपनी पर्सनल, उसकी इंडिविजुअल जर्नी है ना, उसकी भी, आपकी अलग उसकी अलग, ठीक है। तो जब आप बहुत प्रार्थनाएं करेंगे तो उसमें उसको भी बेनिफिट मिलता है जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाले का कर्मा इतना ज़्यादा होता है कि इस जन्म में मिलना पॉसिबल नहीं होता, और पॉसिबल होता भी है तो कहीं 10-20 साल बाद। और लड़की ने रीडिंग ली, फिर लड़के ने रीडिंग ली, वो कहते दीदी हमारे पास समय नहीं है, या तो हमारी शादी हो जाएगी। तो जो ट्विन सोल जर्नी है ना, वो आपके हिसाब से कतई नहीं चलती है, वो चलती है ब्रह्म के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से। बस हमारा पता है कि हम बस इतना बोलते हैं कि आप साधना करो, आप मेडिटेशन करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप खुद से मिल जाएंगे ना तो आप उससे मिल जाएंगे। जब हमारे अंदर की डिवाइन और डिवाइन मस्कुलन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक हो जाती है, यूनियन हो जाता है ना, तो फिर हमें उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें लगता ही नहीं कि अभी हम उससे दूर हैं, हमें लगता है यार हम तो साथ ही, हम तो पास ही हैं, अब उसको पाने की चाह भी नहीं रह जाती। पता है हमारा रीडिंग का सिर्फ एक यही मोटिव होता है, एक यही रीज़न होता है कि हम आपको आप से मिला दें, हम आपको आपके रियल साइड से, आपके हायर सेल्फ से जोड़ दें। ये हमारा उद्देश्य है रीडिंग का, टैरो रीडिंग का यही उद्देश्य है हमारा, कि हम आपको बताएं कि आप कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है,
अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, दुख देने आया, सुख देने आया, ईश्वर से मिलाने आया, वो यूं ही नहीं आया। रिश्तों की परिभाषा हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं कि कार्मिक क्या है, कर्मा से कैसे छुटकारा पाओगे, सोलमेट क्या है उसको कैसे समझो, और ट्विन फ्लेम क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की शादी उसके सोलमेट से हो जाती है, लेकिन वो खुश भी अपनी ज़िंदगी में, बहुत कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, उनके हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़िंदगी के एक पड़ाव में उनका उनके ट्विन से सामना हो जाता है। और जब ट्विन से सामना होता है तो सोलमेट भी फीका लगने लगता है, जो ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम, सारी खुशियाँ दे रहा है, लेकिन फिर भी जब ट्विन आ जाता है ना तो लगता है यार वो होना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है बस उससे बात हो जाए, एक बार उससे बात हो जाए। इंसान ऐसे तरसता है, ऐसे तड़पता है उसके लिए, इतना प्यार हो जाता है ट्विन से। तो ट्विन ना, ट्विन आपसे शादी करने नहीं आता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ट्विन आपको जगाने आता है, ट्विन आपको आपसे मिलाने आता है। बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है, बहुत कम कि आप महादेव की तरह, शिव शक्ति की तरह एक हो पाएं, और उसके लिए तो कई जन्मों की साधना लगती है। पता नहीं इस जन्म में आपने कितनी की, पिछले जन्म में आपके कर्मा कैसे रहे, वो सारी चीज़ें। लेकिन ट्विन का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अलग है, बहुत अलग है, रिश्ते से अलग है ये। तो डियर, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आप दोनों एक दूसरे की मंजिल हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं। अभी हमें यहाँ पे कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन लग रहा है, वो अंतरात्मा से आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन थोड़े मनचले हैं, या फिर यू कहो कि कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। दो एनर्जी, एक में बहुत ज़्यादा चंचल दिख रहे हैं, एक में बहुत ज़्यादा वो बचकाने लग रहे हैं, मतलब एक में, और जो दूसरा है उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत इमोशनल, और भावनाओं को दबाने वाले, बहुत ज़्यादा समझदारी से ज़िंदगी जीने वाले, इस टाइप के लग रहे हैं। लेकिन कभी ये मत सोचना कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। और ये जो आप लोगों के बीच बिछोड़ा हुआ है ना, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ वो कहाँ, इसका उन पे कोई दोष नहीं जाता। ये दोष कहीं ना कहीं आप अपने मार्ग से भटक रहे थे, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, यात्रा पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इस वजह से यूनिवर्स ने आप लोगों को अलग किया है। और आप दोनों कभी अलग हो नहीं सकते, थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स, काम, करियर, सब बहाना है। खोज तो बस खुद की है, खोज तो बस खुद की है। हमने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट किया है ना कि जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना है, जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना है, खोज तो खुद की है, ईश्वर तो बस बहाना है। ये पोएट्री हमने लिखी थी आज से 7 साल पहले, बस अभी हमने है लगाया तब हमने था लगाया था, कि खोज तो खुद की थी, ईश्वर तो बस बहाना था। हर एक इंसान खुद को ही ढूंढ रहा है, वो जब मंदिर में भी जाता है ना, भगवान के लिए नहीं जाता है, भगवान आपके अंदर ही है, आपकी आत्मा ही परमात्मा का अंश है, बस उस अंश को आपको परमात्मा में मिलाना होता है। आप खुद परमात्मा स्वरूप हैं, आप खुद आनंद स्वरूप है, आप खुद ही, क्या कहें हम, कुछ कम नहीं है आप, बस आप अपने आप को, खुद को कम समझ रहे हैं। लेकिन ये समझ में उन्हीं को आता है जो ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो ट्विन सोल जर्नी में है। तो डियर, ये आपका सोल मेट कनेक्शन नहीं, कार्मिक कनेक्शन नहीं, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बराबरी कभी किसी रिश्ते से नहीं हो सकती। और रही एक होने की बात, तो आत्मिक लेवल पर आप में से बहुत सारे लोग एक होंगे, कुछ लोग यहाँ पे 20% लोग हैं जो फिजिकल लेवल पर भी एक होंगे, एक साथ रहने वाले हैं। लेकिन अभी तो बड़ा बवाल छिड़ा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई, अरे, और चीटिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं। लेकिन आप लाइट वर्कर हैं, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ ध्यान देंगे ना तो सब अच्छा हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा आपको। अगर भटक गए ना तो सब खो जाएगा, खुद को भी खो देंगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको
ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शादा प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।